नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं महागाथा महाभारत के एक और महापात्र को लेकर। आज हम जिस पात्र की बात करेंगे उसका महाभारत के युद्ध में तो कोई योगदान नहीं है, परंतु वह महाभारत महाकाव्य में अपनी एक अमिट छाप छोड़ता है और इस पात्र को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महाभारत भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक महान ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कई ऐसे पात्र हैं जो अति पराक्रमी रहे, जो आज भी पूज्यनीय हैं। इसी के साथ कुछ पात्र ऐसे भी रहे जो अथाह शक्तिशाली थे, बावजूद इसके वो इस महागाथा में कहीं गुमनाम से हो गए। इन्हीं में से एक योद्धा थे एकलव्य, जिन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। एक बार को अर्जुन को ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान भी लिया जाए, लेकिन एकलव्य को अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर माना जाता है। ऐसे में एकलव्य के महानतम धनुर्धर बनने की कहानी को जान लेना अति आवश्यक है। बात उस समय की है जब शिक्षा का रूप आज से बहुत अलग हुआ करता था। उस समय के विद्यालय गुरुकुल हुआ करते थे। विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के आश्रम में ही गुरु के पास रहना होता था। सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे और मिल बांट कर काम भी किया करते थे। और गुरु द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया था कौरव और पांडवों का गुरु होना। उन्होंने वचन दिया था अर्जुन को कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा, क्योंकि जो वे अर्जुन को सिखाने वाले थे वो शायद ही किसी गुरु ने अपने किसी शिष्य को सिखाया हो। महाभारत के हजारों धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कौन था यह तय करना मुश्किल है। उन्हीं धनुर्धरों में से एक एकलव्य थे। एकलव्य को कुछ लोग शिकारी का पुत्र कहते हैं और कुछ लोग भील का पुत्र। कुछ लोग यह कहकर प्रचारित करते हैं कि शूद्र होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन ये सब बातें गलत हैं। इतिहास कहीं भी इन बातों को स्वीकार नहीं करता है। एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां इसलिए हैं क्योंकि लोग महाभारत और पुराण जानते ही नहीं। जिसने जो लिख दिया उस लिखी हुई बात को ही सत्य मानकर चलते हैं। एक झूठ को जब बार बार प्रचारित किया जाता है तो वह सत्य ही लगने लगता है। सत्य को जानने के लिए तर्क को अलग रखकर धैर्य का परिचय देना होता है, क्योंकि जो तर्क हमें दिए जाते हैं वो आज के समय के तर्क हैं, वो महाभारत काल के तर्क नहीं हैं। सभी ने महाभारत की इस कथा को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने तरीके से लिखा। दरअसल महाभारत का संपूर्ण प्रपंच श्री कृष्ण की इच्छा से संचालित होता है। पांडव पक्ष के सभी वरिष्ठ लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए हर तरह का भेद और प्रपंच किया। यदि गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था तो उसके पीछे भी श्री कृष्ण की ही इच्छा थी। महाभारत में एक स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है, तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना निषाद राज के दत्तक पुत्र एकलव्य को भी वीरगति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। दरअसल एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भीलराज निषाद राज को सौंप दिया गया था। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने
उनसे अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे, वे भली भांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे भीष्म पितामह और अर्जुन को दिए हुए वचन से बंधे हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। उन्होंने पितामह भीष्म को वचन दिया था कि वो कौरव वंश के राजकुमार को ही शिक्षा देंगे, और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह कभी नहीं कहा था कि वे किसी शूद्र को शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह ने गलत अर्थों में लिया और उस अर्थ को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके समाज में विभाजन की प्रक्रिया को और मजबूत किया। इस सामाजिक विभाजन को हवा देने वाले संगठन भी कौन हैं ये सब जानते हैं, और उनका इसके पीछे उद्देश्य क्या है यह आपसे छुपा नहीं है। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के समक्ष उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वही बने थे, और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु भी हुई थी। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। मैं गुरु द्रोण के बारे में बताते बताते ये भूल गया कि हमारा आज का विषय एकलव्य है। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषादराज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। एक मान्यता के अनुसार वे श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था, जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि राज्यों के समान ही थी। निषादराज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। राजा राज्य का संचालन आमात्य परिषद की सहायता से करता था। द्रोण भक्त एकलव्य निषादराज हिरण्यधनु के पुत्र थे। उनकी माता का नाम रानी सुलेखा था। उल्लेखनीय है कि निषाद नामक एक जाति आज भी भारत में निवास करती है। एकलव्य न तो भील थे और न ही आदिवासी, वे निषाद जाति के थे। इस बात का खुलासा भी हम आगे करते हुए चलेंगे। गौरतलब है कि महाभारत लिखने वाले वेदव्यास किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के नहीं थे, वो भी निषाद जाति से ही थे, जिसे आजकल सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग माना जाता है। महाभारत के आदि पर्व में एकलव्य की कथा आती है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की दादी सत्यवती एक निषाद कन्या ही थी। सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य की पत्नियों ने वेदव्यास के नियोग से दो पुत्रों को जन्म दिया और तीसरा पुत्र दासिका था। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र पांडु और दासी पुत्र विदुर थे। प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिद्युम्न रखा गया था। प्राय लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। ये एक ऐसा गुरुकुल था जहां सभी जाति और समाज के उच्च वर्ग के लोग पढ़ते थे। एकलव्य का जिस तरह चित्रण किया जाता है वह उस तरह के नहीं थे। वो एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा थी। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लय, लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से कराया था। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष बाण को सीखने की लगन को देखा, तो उन्होंने उनके पिता निषादराज हिरण्यधनु से कहा, उनका पुत्र एक महान धनुर्धर बनने के सुयोग्य है, इसे सही शिक्षा दीक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले गए। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एकलव्य को अपनी लगन और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोले, गुरुदेव,
मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। जब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमार को ही शिक्षा देंगे, और एकलव्य राजकुमार तो थे लेकिन कौरव कुल से नहीं थे, अतः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं। अतः द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं विवश हूं, तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य ने घर से निश्चय करके बाहर कदम रखा था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। द्रोण की ओर से इनकार करने के बाद हिरण्यधनु तो वापस अपने राज्य लौट आए, लेकिन एकलव्य को द्रोण के सेवक के रूप में उनके पास छोड़ाए। द्रोण की ओर से दीक्षा देने की बात नकार देने के बावजूद एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी, वह सेवकों की भांति उनके साथ रहने लगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रहने के लिए एक झोंपड़ी दिलवा दी। एकलव्य का काम बस इतना होता था कि जब सभी राजकुमार बाण विद्या का अभ्यास कर चले जाएं, तब वह सभी बाणों को उठाकर वापस तरकश में डालकर रखते। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्य को अस्त्र चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य भी वहीं छिपकर द्रोण की बात और हर सीख को सुनते थे। अपने राजकुमार होने के बावजूद एकलव्य द्रोण के पास एक सेवक बनकर रह रहे थे। एकलव्य ने अपने खाली समय में द्रोण की सीख के अनुसार अरण्य में रहते हुए ही एकांत में तीर चलाना सीखा। एक दिन अभ्यास जल्दी समाप्त हो जाने के कारण कौरव वंशी सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए। ऐसे में एकलव्य को धनुष चलाने का एक अदद मौका मिल गया, लेकिन अफसोस उनके अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और गुरु द्रोणाचार्य को इसकी जानकारी दी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से चले जाने को कहा। हताश निराश एकलव्य अपने महल की ओर चलने लगे, लेकिन रास्ते में उन्होंने सोचा कि वह घर जाकर क्या करेंगे, इसलिए बीच में ही एक आदिवासी बस्ती में ठहर गए। उन्होंने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि वह यहां रहकर धनुष विद्या का अभ्यास करना चाहते हैं। सरदार ने प्रसन्नतापूर्ण एकलव्य को अनुमति दे दी। आदिवासियों या भीलों के बीच रहने के कारण एकलव्य को शिकारी या भील जाति का मान लिया गया। एकलव्य ने आदिवासियों के बीच रहकर वहां गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एकटक देखकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। समय बीतता गया और कौरव वंश के अन्य बालकों कौरव और पांडवों के साथ साथ एकलव्य भी युवा हो गया। द्रोणाचार्य ने बचपन में ही अर्जुन को यह वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होगा, लेकिन एक दिन द्रोण और अर्जुन दोनों की यह गलतफहमी दूर हो गई जब उन्होंने एकलव्य को धनुष चलाते हुए देखा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंच गया जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल और फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को चोट भी नहीं लगे और उसका मुंह भी बंद हो जाए, इस ढंग से सात बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापस वहां आ गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, यह कैसे संभव है? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे आती ही नहीं। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहां हिरण्यधनु का पुत्र गुरुभक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, पुत्र, यह विद्या कहां से सीखी तुमने? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आप ही की कृपा से सीख रहा हूं। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा ना होगा, किंतु यह तो अर्जुन से कहीं आगे निकल गया था। जब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। एकलव्य की प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य संकट में पड़ गए, लेकिन अचानक उन्हें एक युक्ति समझ में आई और उन्होंने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा?
एकलव्य ने कहा, गुरुदेव जो आप मांगे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए मांगा ताकि एकलव्य उस तरह से कभी धनुष न चला पाए जिस तरह से वह चलाता है। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। धन्य है एकलव्य जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरुनिष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। इसके बाद जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा दो उंगलियों को दिखाते हुए संकेत दिया कि बाण दो उंगलियों से भी चलाया जा सकता है। यदि युद्ध में अंगूठा कट गया तो क्या युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओगे? परिणाम, एकलव्य ने पुनः अभ्यास किया और पुनः पूर्ववत दक्षता प्राप्त कर ली। आधुनिक तीरंदाजी का जनक एकलव्य को माना जाता है। प्रश्न यही उठता है कि अंततः अंगूठा कटवाने का उद्देश्य क्या रहा? तो इसके समाधान हेतु यह समझना होगा कि वह किसका पुत्र था। वह निषादराज भील का दत्तक पुत्र था जो कि जरासंध की सेना का सेनापति था। वह जरासंध जो कि अत्यंत अत्याचारी, क्रूर एवं श्री कृष्ण का परम शत्रु था। उसने अपने बल से आसपास के कई राजाओं को बंदी बना लिया था। ऐसे में उसकी क्षमता में वृद्धि होने का अर्थ है मानव जाति के लिए संकट को बढ़ाना, इसलिए उसका अंगूठा कटवाया गया था। अर्जुन ने युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करने का संकल्प लिया। ऐसे में उस कुरुक्षेत्र में लौकिक शास्त्रों में अर्जुन से अधिक ज्ञात हुए सामर्थ्यशाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और दूसरे थे एकलव्य। एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति क्रोध का भाव रखते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ा, जबकि वह जिस सेना का सेनापति बन सकता था वह थी जरासंध की पुत्र की सेना जो कि पांडवों की ओर से लड़ा था। इसलिए युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व योगिराज कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे वीरगति प्रदान की। कुमार एकलव्य अपना अंगूठा दान में देने के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चला गया। एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर चुके हैं। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता, अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना बिल्कुल उचित होगा। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगबेर राज्य का शासक बना और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है बल्कि निषाद जाति के लोगों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करता है। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। उसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे एकलव्य को देखने को उत्सुक हो गए। दाहिने हाथ में महज चार उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ गए यह पांडवों और उनकी सेना के लिए काल साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध हुआ और इस युद्ध में एकलव्य वीरगति को प्राप्त हुआ। एकलव्य के वीरगति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठा और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ा। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। तो यह था जीवन परिचय एकलव्य का, एक साधारण बालक से एक महान धनुर्धर बनने की गाथा। आशा करता हूं यह महाकाव्य के इस महापात्र को आपने पसंद किया होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।
आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी एक और नए पात्र के साथ। जय हिंद, जय भारत।